वेलकम बैक इन डे कितना मालूम नहीं मेरे को। और भाई आज मेरा बॉडी में पेन है भाई, क्योंकि कल मैं बहुत ज़्यादा कार्टवेल साइड फ्लिप का अटेम्प्ट किया था, जिसके कारण इधर वाला जो साइड है ये मेरा बहुत ज़्यादा पेन कर रहा है। फिर भी आज हम ट्राई करेंगे बहुत सारा फ्लिप्स को करने का, और किकअप का एक क्वेश्चन आया था तो उसका भी सॉल्व करेंगे। तो चलो बिना किसी बातचीत के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भाई आज का प्रैक्टिस स्टार्ट होता है मेरा पेन से, मतलब दर्द से। भाई मेरा साइड के मसल में इतना ज़्यादा दर्द कर रहा था कि क्या ही बताऊं भाई तुम लोगों को। मैं सोचा कि थोड़ा सा ही बस प्रैक्टिस करूंगा और चलाऊंगा घर थोड़ा सा फ्लिप करके, बट मैं जब करने लगा तब मेरा मोटिवेशन आया और मैं एक के बाद एक फ्लिप को करता गया भाई। बट ये डिसीजन मेरा थोड़ा सा गलत था, क्योंकि भाई इतना ज़्यादा गर्मी पड़ रहा था आज के दिन में, और ये जो फ्लिप आप लोग देख रहे हो ये ख़त्म हो जाने के बाद मेरा हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था। मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ ये जो फ्लिप हो जाने के बाद नेक्स्ट डे में, तो मेरे को बाली किसे पता है भाई कि मेरा कैसा दर्द हो रहा था कल रात में। कल रात में मैं ये जो फ्लिप करके आया उसके बाद आधा घंटा तक एकदम लेटा पड़ा था भाई कूल डाउन करने के बाद, और उसके बाद नहाया धोया, फिर जाके मैं थोड़ा सा कुछ खाया, फिर एकदम सो गया भाई। और सो के उठा ही नहीं भाई, एकदम रात तक सोया। और रात में खाने के लिए बुलाया था तो खाने के लिए भी नहीं गया भाई, रात में भी सोता रहा। और सुबह लगभग 8 से 9 बजे तक मैं सोया, लगभग बोल सकते हो आप 12 घंटा मैं सोया भाई। बॉडी में इतना ज़्यादा पेन कर रहा था, फिर भी भाई आज भी उठ के मेरा बॉडी में पेन कर रहा है अभी भी। तो मैं सोचा हूँ कि भाई आज मैं रेस्ट लूँगा, बट पता नहीं क्या होगा। तो देखो इस पोजीशन पे मैं एक भाई का कमेंट पढ़ रहा था कि वो भाई बोल रहे थे कि मैं किकअप को ट्राई करने वाला था, तो मुझे कुछ किकअप का टिप्स बताओ। तो देखो किकअप तो नहीं, फिलहाल सुइसाइड किपअप बोल रहे थे वो। तो देखो मैं सुइसाइड किपअप तो फिलहाल नहीं जानता, बट फिर भी जो कुछ भी मैं करता हूँ उसी को आप लोगों को बताने का कोशिश करता हूँ। देखो ऐसे करके बैक रोल करो पहले, और उसके बाद किकअप करने का ट्राई करो। देखो मैं पहले इस तरीके से गिर रहा हूँ और मुझे नहीं आता भाई, मैं रियली बता रहा हूँ आप लोगों को, मुझे सुइसाइड किपअप बिल्कुल भी नहीं आता। फिर भी देखो मैं इतना तक ही कर लेता हूँ, और मेरा पीठ का हालत भी देख सकते हो तुम लोग, तो इससे आइडिया लगा सकते हो कि तुम धीरे धीरे प्रैक्टिस करो। और इसको अगर करना भाई सुइसाइड किपअप को, तो थोड़ा सेफ प्लेस में भी करना। और देखो सुइसाइड किपअप मैं करने गया और मैं बैक हैंड स्पिन की तरह पलट गया भाई, ये होता रहता है भाई। अब देखो इस पॉइंट पे मैं चीट गिना कर प्रैक्टिस करने वाला था, और देखो मैं इस बार नॉर्मल ग्राउंड से प्रैक्टिस करने वाला था, तो मेरे को थोड़ा सा डर लग रहा था पहले पहले अटेम्प्ट करने में, बट कुछ कुछ अटेम्प्ट किया उसके बाद मेरा माइंड में वो चीज़ सेंस बन गया, और फिर मैं एक के बाद अटेम्प्ट करता गया भाई। बट देखो इस पॉइंट पे मेरा बॉडी इतना ज़्यादा पेन कर रहा था, मैं थोड़ा थोड़ा टाइम के बाद ही रेस्ट ले रहा था भाई, और पानी पीता रह रहा था भाई, क्योंकि मेरा एनर्जी बहुत ज़्यादा डाउन हो रहा था। आप लोग को देख के नज़र नहीं आ रहा होगा, बट मुझे ही पता है कि वो पेन कितना ज़्यादा हो रहा था मेरे को। तो भाई पेन की बात तो होता रहेगा, क्योंकि पेन होता रहता है हर एक दिन भाई, तो इसको छोड़ते हैं पहले और बढ़ते हैं हम एक ट्रेंडिंग क्वेश्चन पे भाई, जो कि फ्लिपिंग फील्ड में बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, कि मैं बैक फ्लिप में बहुत ज़्यादा डरता हूँ, मेरा बैक फ्लिप में बहुत ज़्यादा डर लगता है, मैं बैक फ्लिप को कर नहीं पाता हूँ, मैं बैक फ्लिप कैसे इम्प्रूव करूँगा बताओ भाई। ये सब क्वेश्चन मेरे को यूट्यूब में इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा पूछते हैं लोग, तो इसका सॉल्यूशन क्या है भाई? तो देखो इसका सॉल्यूशन तो मैं बता नहीं सकता, क्योंकि मेरा ही बैक फ्लिप ख़राब है भाई। हाँ मैं मानता हूँ मेरा बैक फ्लिप बहुत ज़्यादा ख़राब है भाई, तो मैं कैसे बता दूँ तुमको कि बैक फ्लिप को कैसे अच्छा किया जाए, बैक फ्लिप को कैसे बेटर बनाया जाए। बट देखो बताता हूँ कि प्रैक्टिस करो भाई, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करो, तुम्हें खुद ही समझ में आएगा कि बैक फ्लिप करना कैसे है। और जो बात कर रहे हैं जो बिगिनर हैं लोग, वो लोग तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो भाई इसको, और जो जो मिस्टेक है उसको तुम देखो अपना वीडियो बना के, और फिर जाके उसको सही करने का प्रयास करो हर एक अटेम्प्ट करने के बाद, और फोकस करो अपना जो फ्लिप है उसके दौरान भाई, वरना कोई ट्रिक नहीं है भाई ये फ्लिप में। अगर मैं कोई ट्रिक बताने लग जाऊँ
तो तुम क्या सोचते हो वो ट्रिक को फॉलो करके तुम सीख जाओगे? मुझे तो ऐसा नहीं लगता भाई, क्योंकि बहुत यूट्यूबर लोग बताते हैं कि ये ट्रिक होता है वो ट्रिक होता है, बट मेरे हिसाब से कोई ट्रिक काम नहीं किया भाई, क्योंकि डर बीच में आ जाता है, ट्रिक के बीच में डर आ जाता है। देखो मैं 180 फ्लिप को करने का ट्राई कर रहा था, तो ये 180 फ्लिप में बेसिकली क्या है कि 180 जब तुम बैक फ्लिप के लिए ऊपर जाओगे तो तुम उसमें लास्ट में फ्रंट फ्लिप कर लोगे, बट वो फ्रंट फ्लिप मेरे से अब नहीं हो रहा था। यही है भाई, डर बीच में आ जा रहा था, तो क्या करे भाई, ऐसे ही तुम्हें प्रैक्टिस करके इस डर को ख़त्म करना होगा भाई। थकान एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को कुछ भी नहीं करने देता भाई, इतना ज़्यादा थक रहा हूँ मैं कि क्या ही बताऊँ भाई, फिर भी मैं एटलीस्ट कंप्लीट कर दिया अपना आज का प्रैक्टिस सेशन। मैं आज सुसाइड किकअप का ट्राई किया था, मतलब वो भाई बोले थे तो मैं एक्सप्लेन करने का कोशिश किया था, बट मुझे खुद ही नहीं आता, तो मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ भाई। तो देखो, अगर सुसाइड किकअप सीखना है तो एक सेफ प्लेस अरेंज कर लेना और उसके बाद सीखना, और पहले तो किकअप को अच्छे से करना, और जो वेरिएशन हो जाए किकअप में, जैसे कि हैंड स्टैंड करके किकअप और फिर रोल करके किकअप, वो सारा चीज़ करना, फिर जाके सुसाइड किकअप को ट्राई करना, तो हो जाएगा भाई। जो बैक हैंड स्विंग होता है वो लास्ट में अपने आप को रोकना होता है और फिर जाके किकअप करना है, जो कि मेरे साथ तो नहीं हो रहा है भाई, मैं तो पूरा पलट जा रहा हूँ। तो भाई आज बहुत ज़्यादा थक चुके हैं और वर्कआउट नहीं करेंगे, तो मिलते हैं डायरेक्ट आपसे नेक्स्ट डे में, तो बाय।